रमानाथ की चाय की दुकान खुल तो गई, पर केवल रात को खुलती थी, दिन भर बंद रहती थी। रात को भी अधिकतर देवी दीन ही दुकान पर बैठता, पर बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन 3 रुपए के पैसे आए, दूसरे दिन से 4-5 रुपए का औसत पड़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक बार यहाँ चाय पी लेता फिर दूसरी दुकान पर ना जाता। रमानाथ ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर दी। कुछ रुपए जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज ली। चिराग जलने के बाद साग भाजी की बिक्री ज्यादा ना होती थी। वह उन टोकरों को उठाकर अंदर रख देता और बरामदे में वह मेज लगा देता, उस पर ताश के सेट रख देता, 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा। दुकान चल निकली। उन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपए आ जाते थे और सब खर्च निकालकर 3-4 रुपए बच रहते थे। इन 4 महीनों की तपस्या ने रमानाथ की भोग लालसा को और भी प्रचंड कर दिया था। जब तक हाथ में रुपए ना थे वह मजबूर था। रुपए आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की याद आई, रोज के व्यवहार की मामूली चीजें जिन्हें अब तक वह टालता आता था अब अबाध रूप से आने लगी। देवी दीन के लिए वह एक सुंदर रेशमी चादर लाया। जग्गों के सिर में पीड़ा होती रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की 2 शीशियां लाकर उसे दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझ लाती तो उसे डांटता, काकी अब तो मैं भी 4 पैसे कमाने लगा, अब तू क्यों जान देती है? अगर फिर कभी तेरे सिर पर टोकरी देखी तो कह देता हूँ दुकान उठाकर फेंक दूंगा, फिर मुझे जो सजा चाहे दे देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती रमानाथ दुकान पर तो नहीं है। अगर वह बैठा होता तो किसी कुली को 1-2 पैसा देकर उसके सिर पर रख देती। वह ना होता तो लपकी हुई आती और जल्दी से बोझ उतार कर शांत बैठ जाती, जिसमें रमानाथ भांप ना सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। इस ड्रामे की बड़ी धूम थी। एक दिन पहले से ही लोग अपनी जगह रक्षित करा रहे थे। रमानाथ को भी अपनी जगह रक्षित करा लेने की धुन सवार हुई। सोचा कहीं रात को टिकट ना मिला तो टापते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ है, उस वक्त 1 के 2 देने पर भी जगह ना मिलेगी। इसी उत्सुकता ने पुलिस के भय को भी पीछे डाल दिया। ऐसी आफत नहीं आई है कि घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी। दिन को ना सही, रात को तो निकलता ही हूं, पुलिस चाहती तो क्या रात को ना पकड़ लेती? फिर मेरा वह हुलिया भी ना रहा। पगड़ी चेहरा बदल देने के लिए काफी है। यूं मन को समझाकर वह 10 बजे घर से निकला। देवी दीन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा? रमानाथ ने कहा, कहीं नहीं काकी, अभी आता हूँ। रमानाथ सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती थी, कोई कांस्टेबल ना आ रहा हो। उसे विश्वास था कि पुलिस का एक एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा, इसलिए वह नीचे सिर झुकाए चल रहा था। सहसा उसे ख्याल आया, गुप्त पुलिस वाले सादे कपड़े पहने इधर उधर घूमा करते हैं, कौन जाने जो आदमी मेरे बगल में आ रहा है कोई जासूस ही हो, मेरी ओर कितने ध्यान से देख रहा है। यूं सिर झुकाकर चलने से ही तो नहीं उसे संदेह हो रहा, यहां और सभी सामने ताक रहे हैं, कोई यूं सिर झुकाकर नहीं चल रहा है। मोटरों की इस रेल पेल में सिर झुकाकर चलना मौत को नेवता देना है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो कर सकता है, यहां तो सामने देखना चाहिए, लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी ही तरफ ताक रहा है शायद कोई खुफिया ही। उसका साथ छोड़ने के लिए वह एक तंबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया। रमानाथ ने आराम की लंबी सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया और दिल मजबूत करके चलने लगा। इस वक्त ट्राम का भी कहीं पता ना था, न
नहीं उसी पर बैठ लेता। थोड़ी ही दूर चला होगा कि तीन कांस्टेबल आते दिखाई दिए। रमानाथ ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। खामखा सांप के बिल में उंगली डालना कौन सी बहादुरी है। दुर्भाग्य की बात, तीनों कांस्टेबलों ने भी सड़क छोड़कर वही पटरी ले ली। मोटरों के आने जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। रमानाथ का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो संदेह को और भी बढ़ा देगा। कोई ऐसी गली भी नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो सब बहुत समीप आ गए। क्या बात है, सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं। मैंने बड़ी हिमाकत की कि यह पगड़ बांध लिया और बंधी भी कितनी बेतुकी। एक टीले सा ऊपर उठ गया है। यह पगड़ी आज मुझे पकड़वावेगी। बांधी थी कि इससे सूरत बदल जाएगी, यह उल्टे और तमाशा बन गई। हाँ, तीनों मेरी ही ओर ताक रहे हैं, आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमानाथ को ऐसा जान पड़ा पैरों में शक्ति नहीं है। शायद सब मन में मेरा हुलिया मिला रहे हैं। अब नहीं बच सकता। घर वालों को मेरे पकड़े जाने की खबर मिलेगी तो कितने लज्जित होंगे। जालपा तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। 5 साल से कम सजा ना होगी। आज इस जीवन का अंत हो रहा है। इस कल्पना ने उसके ऊपर कुछ ऐसा आतंक जमाया कि उसके औसान जाते रहे। जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया, उसकी आंखें कुछ ऐसी शशंक हो गईं, और अपने को उनकी आंखों से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह दूसरे आदमियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिस वालों की मंजी हुई आंखें क्यों चूकती। एक ने अपने साथी से कहा, यो मनई चोर ना होए तो तुम्हारी टांग अंते निकल जाई, कस चोरन की नाई ताकत है। दूसरा बोला, कुछ संदेह तो हमऊ का हो ही रहा है, फुरई कहियो पांडे असली चोर है। तीसरा आदमी मुसलमान था, उसने रमानाथ को ललकारा, ओ जी ओ पगड़ी, जरा इधर आना, तुम्हारा नाम क्या है। रमानाथ ने सीना जोरी के भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे, मैं क्या चोर हूँ। चोर नहीं, तुम साहू हो, नाम क्यों नहीं बताते। रमानाथ ने एक क्षण आगा पीछा में पड़कर कहा, हीरा लाल। घर कहाँ है। घर, हाँ घर ही पूछते हैं, शाहजहांपुर। कौन मोहल्ला। रमानाथ शाहजहांपुर ना गया था, ना कोई कल्पित नाम ही उसे याद आया कि बता दे। दुस्साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने भभकी दी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है, नाम झूठ बताया, सकूनत झूठ बताई, मोहल्ला पूछा तो बगले झांकने लगी, महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो, चलो थाने पर। यह कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमानाथ ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ तब हम चलेंगे, क्या मुझे कोई देहाती समझ लिया है। कांस्टेबल ने एक सिपाही से कहा, पकड़ लो जी इनका हाथ, वहीं थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशों से भी ज्यादा मनोरंजक होती हैं। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवी दीन इसी समय अफीम लेकर लौटा आ रहा था। यह जमाव देखकर वह भी आ गया। देखा कि 3 कांस्टेबल रमानाथ को घसीटे लिए जा रहे हैं। आगे बढ़कर बोला, हैं जमादार, यह क्या करते हो, यह पंडित जी तो हमारे मेहमान हैं, इन्हें कहां पकड़े लिए जाते हो। तीनों कांस्टेबल देवी दीन से परिचित थे, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान हैं ये, कब से। देवी दीन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ बेशी हुए होंगे, मुझे प्रयाग में मिले थे, रहने वाले भी वहीं के हैं, मेरे साथ ही तो आए थे। मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, इनका क्या नाम है। देवी दीन ने सिटपिटा कर कहा, नाम इन्होंने बताया ना होगा। सिपाहियों का संदेह दृढ़ हो गया। पांडे ने आंखें निकाल कर कहा, जान परत है, तुम हो मिले हो, नाव काहे नहीं बतावत हो इनका। देवी दीन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझसे रोम राजा माना पांडे, समझे, यहाँ धमकियों में नहीं आने के।
मुसलमान सिपाही ने मानो मध्यस्थ बनकर कहा, बूढ़े बाबा तुम तो खामखा बिगड़ रहे हो, इनका नाम क्यों नहीं बतला देते। देवीदीन ने कातर नेत्रों से रमानाथ की ओर देखकर कहा, हम लोग तो रमानाथ कहते हैं, असली नाम यही है या कुछ और यह हम नहीं जानते। पांडे ने आंखें निकालकर हथेली को सामने करके कहा, बोलो पंडित जी क्या नाम है तुम्हारा, रमानाथ या हीरालाल या दोनों, एक घर का एक ससुराल का। तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करके कहा, नाम है रमानाथ, बतावत है होरीलाल, सबूत हुई गवा। दर्शकों में कानाफूसी होने लगी। शुभे की बात तो है, साफ है नाम और पता दोनों गलत बता दिया। एक मारवाड़ी सज्जन बोले, ओ चक्को सो है। एक मौलवी साहब ने कहा, कोई इश्तिहारी मुलजिम है। जनता को अपने साथ देखकर सिपाहियों को और भी जोर हो गया। रमानाथ को भी अब उनके साथ चुपचाप चले जाने ही में अपनी कुशल दिखाई दी। इस तरह से झुका लिया मानो उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है कि उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित वह कभी ना हुआ था। जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानि ना उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम हो गई। रमानाथ ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका। देवीदीन का पता ना था। रमानाथ के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में यह सहारा भी हाथ से निकल गया। पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय एक बड़ी मेज के सामने चार आदमी बैठे हुए थे। एक दरोगा थे, गोरे से शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता की झलक थी। उनके बगल में नायब दरोगा थे, यह सिख थे, बहुत हंसमुख, सजीवता के पुतले, गेहूंवा रंग, सुडौल सुगठित शरीर। सिर पर केश था, हाथों में कड़े, पर सिगार से परेश ना करते थे। मेज की दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़ सांवला लंबा आदमी था, कौड़ी की सी आंखें, फूले हुए गाल और ठिगना कद। डिप्टी सुपरिटेंडेंट लंबा छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का एक कश लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चलने सकेगा, इनमें से किसी को अप्रूवर बनाना होगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दरोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने कोई बात उठा तो नहीं रखी, हलफ से कहता हूँ। सभी तरह के लालच देकर हार गए, सबों ने ऐसी गुट कर रखी है कि कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी, इस मारवाड़ी को फिर आजमाने होगा, उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाइए, शायद इसका कुछ पड़े। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, आज सुबह से हम लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप लड़के के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं होता। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मग्न बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चल सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर, एक हमले की मोहलत और लीजिए, शायद कोई टूट जाए। यह निश्चय करके दोनों आदमी यहां से रवाना हुए। छोटे दारोगा भी उनके साथ ही चले गए। दारोगा जी ने हुक्का मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दारोगा जी लाइए कुछ इनाम दिलवाइए, एक मुलजिम को शुभे पर गिरफ्तार किया है, इलाहाबाद का रहने वाला है, नाम है रमानाथ, पहले नाम और सकूनत दोनों गलत बतलाई थी, देवीदीन खटिक जो नुक्कड़ पर रहता नहीं है उसी के घर ठहरा हुआ है, जरा डांट बताइएगा तो सब कुछ उगल देगा। दारोगा, देवीदीन वही है ना जिसके दोनों लड़के। सिपाही, जी हाँ वही है। इतने में रमानाथ भी दरोगा के सामने हाजिर किया गया। दारोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रही हूँ। तब कठोर दृष्टि से देखकर बोले, अच्छा यह इलाहाबाद का रमानाथ है, खूब मिले भाई, 6 महीने से परेशान कर रहे हो, कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले, यहाँ कब से आए हो।
कांस्टेबल ने रमानाथ को परामर्श दिया, सब हाल सच सच कह दो तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती ना की जाएगी। रमानाथ ने प्रसन्नचित बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में हूँ, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनिसपैलिटी में नौकर था, हिमाकत कहिए या बदनामी, चुंगी के 400 रुपए मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर रुपए जमा ना कर सका, शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ ना कहा, नहीं तो इतने रुपए का इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल ना था। जब कुछ बस ना चला तो वहां से भागकर यहां चला आया, इसमें एक हर्फ भी गलत नहीं है। दारोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है, क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया था? मुझसे कसम ले लीजिए जो कभी शराब मुंह से लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे हुजूर। रमानाथ ने मुस्कुरा कर कहा, मुझसे फाके मस्तों का वहां कहां गुजर। दारोगा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बनवा डाले? रमानाथ झेप कर रह गया, अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दारोगा, अच्छी बात है, तुम्हें भी यहाँ खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवीदीन आकर खड़ा हो गया। दारोगा ने कठोर स्वर में कहा, क्या काम है यहाँ? देवी, हुजूर को सलाम करने चला आया, इन बेचारे पर दया की नजर रखें हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दारोगा, बच्चा सरकारी मुलजिम को घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने आए हो? देवी, मैं क्या सिफारिश करूंगा हुजूर, दो कौड़ी का आदमी। दारोगा, जानता है इन पर वारंट है, सरकारी रुपए गबन कर गए हैं। देवी, हुजूर भूल चूक आदमी से ही तो होती है, जवानी की उम्र है ही, खर्च हो गए होंगे। यह कहते हुए देवी दीन ने 5 गिन्नियां कमर से निकालकर मेज पर रख दी। दारोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? देवी, कुछ नहीं है, हुजूर को पान खाने को। दारोगा, रिश्वत देना चाहता है, क्यों कहो तो बचा, इसी इल्जाम में भेज दूं? देवी, भेज दीजिए सरकार, घरवाली लकड़ी कफन के फिकर से छूट जाएगी, वहीं बैठा आपको दुआ दूंगा। दारोगा, अबे इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियां लाकर सामने रखो, जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपए का इनाम है। देवी, आप लोगों के लिए इतना इनाम क्या है, यह गरीब परदेसी आदमी है, जब तक जिएंगे आपको याद करेंगे। दारोगा, बकबक मत कर, यहाँ धर्म कमाने नहीं आया हूँ। देवी, बहुत तंग हूँ हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है। कांस्टेबल, बुढ़िया से मांग जाके। देवी, कमाने वाला तो मैं ही हूँ भैया, लड़कों का हाल जानते ही हो, तन पेट काट कर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो अभी सातों धाम किए चला आता हूँ, बहुत तंग हो गया हूँ। दारोगा, तो अपनी गिन्नियां उठा ले, इसे बाहर निकाल दो जी। देवी, आपका हुक्म है तो लीजिए जाता हूँ, धक्के क्यों खिलवाइएगा। दारोगा कांस्टेबल से, इन्हें हिरासत में रखो, मुंशी से कहो इनका बयान लिख ले। देवी दीन के ओठ आवेश से कांप रहे थे, उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमानाथ ने कभी नहीं देखी थी, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवे को घुसते देखकर विहल हो गई हो। वह 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे फेरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपका हुआ सड़क तक चला गया, मगर एक ही पल में फिर लौटा और दारोगा से बोला, हुजूर 2 घंटे की मोहलत ना दीजिएगा। रमानाथ अभी वहीं खड़ा था, उसकी यह ममता देखकर रो पड़ा, बोला, दादा अब तुम हैरान ना हो, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होने दो, मेरे पिता भी यहाँ होते तो इससे ज्यादा और क्या करते, मैं मरते दम तक तुम्हारा उपकार। देवी दीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बात करते हो भैया, जब रुपयों पर आई तो देवी दीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है, इतने रुपए तो एक एक दिन जुए में हार जीत गया हूँ, अभी घर बेच दूं तो 10,000 की मालियत है, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊंगा? दारोगा जी, अभी भैया को हिरासत में ना भेजो, मैं रुपए की फिक्र करके थोड़ी देर में आता हूँ। देवी दीन चला गया तो दारोगा जी ने सहृदयता से भरे हुए स्वर में कहा, है तो खुर्राट मगर बड़ा नेक, तुमने इसे कौन सी बूटी सुंगा दी? रमानाथ ने कहा, गरीबों पर सभी को रहम आता है।
दारोगा ने मुस्कुरा कर कहा, पुलिस को छोड़कर इतना और कहिए, मुझे तो यकीन नहीं कि 50 गिन्नियां लावे। रमानाथ, अगर लाए भी तो उससे इतना बड़ा तावन नहीं दिलाना चाहता, आप मुझे शौक से हिरासत में ले लें। दारोगा, मुझे 500 के बदले 650 मिल रहे हैं, क्यों छोड़ूं? तुम्हारी गिरफ्तारी का इनाम मेरे किसी दूसरे भाई को मिल जाए तो क्या बुराई है? रमानाथ, जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितनी जल्दी पीस लूं उतना ही अच्छा। मैंने समझा था मैं पुलिस की नजरों से बचकर रह सकता हूं। अब मालूम हुआ कि यह बेकली और आठों पहर पकड़े जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं। दारोगा जी को एकाएक जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। मेज के दराज से एक मिसल निकली, उसके पन्ने इधर उधर उल्टे, तब नम्रता से बोले, अगर मैं कोई ऐसी तरकीब बतलाऊं कि देवी दीन के रुपए भी बच जाएं और तुम्हारे ऊपर भी हर्फ ना आए तो कैसा? रमानाथ ने अविश्वास के भाव से कहा, ऐसी कोई तरकीब है? मुझे तो आशा नहीं। दारोगा, आज साईं के 100 खेल हैं, इसका इंतजाम मैं कर सकता हूँ, आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। रमानाथ, झूठी शहादत होगी? दारोगा, नहीं, बिल्कुल सच्ची, बस समझ लो कि आदमी बन जाओगे, म्यूनिसिपैलिटी के पंजे से तो छूट ही जाओगे, शायद सरकार परवरिश भी करे। यूं अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सजा ना होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम अपना नफा नुकसान खुद समझ लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। दारोगा जी ने डकैती का वृतांत कह सुनाया। रमानाथ ऐसे कई मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था, संशय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मैं इन डकैतियों में शरीक था? यह तो झूठी शहादत हुई। दारोगा, मामला बिल्कुल सच्चा है, आप बेगुनाहों को ना फंसाएंगे, वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए, फिर झूठ कहाँ रहा? डाकुओं के डर से यहाँ के लोग शहादत देने पर राजी नहीं होते, बस और कोई बात नहीं है। यह मैं मानता हूँ कि आपको कुछ झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी बनी जा रही है, इसके लिहाज से तो इतना झूठ कोई चीज नहीं। खूब सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमानाथ के मन में बात बैठ गई। अगर एक बार झूठ बोलकर वह अपने पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य भी सुधार ले तो पूछना ही क्या, जेल से तो बच जाएगा, इसमें बहुत आगा पीछा की जरूरत ही ना थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर फिर म्यूनिसिपैलिटी अभियोग ना चलाएगी और उसे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी। वह जानता था पुलिस को गरज है और वह मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार ना करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म के संकट में पड़ी हुई है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह लोग ना फंस जाएं। दारोगा, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ। रमानाथ, लेकिन कल को म्यूनिसिपैलिटी मेरी गर्दन नापे तो मैं किसे पुकारूंगा? दारोगा, मजाल है म्यूनिसिपैलिटी चूं कर सके? फौजदारी के मुकदमे में मुद्दई तो सरकार ही होगी, जब सरकार आपको मुआफ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलाएगी? आपको तहरीरी मुआफीनामा दे दिया जाएगा साहब। रमानाथ, और नौकरी? दारोगा, वह सरकार आप इंतजाम करेगी, ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है। अगर आपकी शहादत बढ़िया हुई और उस फरीक के जिरहों के जाल से आप निकल गए तो फिर आप पारस हो जाएंगे। दारोगा जी ने उसी वक्त मोटर मंगवाई और रमानाथ को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलंब क्यों करते? डिप्टी से एकांत में खूब जीत उड़ाई, इस आदमी का यूं पता लगाया। उसकी सूरत देखते ही भांप गया कि मफरूर है, बस गिरफ्तार ही तो कर लिया, बात 16 आने सच निकली, निगाह कहीं चूक सकती है। हुजूर, मुजरिम की आंखें पहचानता हूँ, इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी के रुपए गबन करके भागा है, इस मामले में शहादत देने को तैयार है, आदमी पढ़ा लिखा, सूरत का शरीफ और जहीन है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा,
हाँ आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर मुआफी नामा लिए बगैर इसे हमारा एतबार ना होगा। कहीं इसे यह शुभा हुआ कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी, यह तो होगा ही, गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत करना होगा। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि आदमी पर कैसा मुकदमा है, यह सब तो गवर्नमेंट को बताना होगा। दारोगा जी ने टेलीफोन डायरेक्टरी देखी, नंबर मिलाया और बातचीत शुरू हुई। डिप्टी, क्या बोला? दारोगा, कहता है यहाँ इस नाम के किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है। डिप्टी, यह कैसा है भाई, कुछ समझ में नहीं आता, इसने नाम तो नहीं बदल दिया? दारोगा, कहता है म्यूनिसिपैलिटी में किसी ने रुपए गबन नहीं किए, कोई मामला नहीं है। डिप्टी, ये तो बड़ा ताज्जुब का बात है, आदमी बोलता है हम रुपया लेकर भागा, म्यूनिसिपैलिटी बोलता है कोई रुपया गबन नहीं किया, यह आदमी पागल तो नहीं है? दारोगा, मेरी समझ में कोई बात नहीं आती, अगर कह दें कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी ना मिलेगी। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर से पूछिए। दारोगा ने फिर नंबर मिलाया, सवाल जवाब होने लगा। दारोगा, आपके यहाँ रमानाथ कोई क्लर्क था? जवाब, जी हाँ था। दारोगा, वह कुछ रुपए गबन करके भागा है? जवाब, नहीं, वह घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या वह आपके यहाँ है? दारोगा, जी हाँ, हमने उसे गिरफ्तार किया है, वह खुद कहता है कि मैंने रुपए गबन किए, बात क्या है? जवाब, पुलिस तो लाल बुजक्कड़ है, जरा दिमाग लड़ाइए। दारोगा, यहाँ तो अक्ल काम नहीं करती। जवाब, यहीं क्या, कहीं भी काम नहीं करती। सुनिए, रमानाथ ने मीजान लगाने में गलती की, डर कर भागा, बात को मालूम हुआ कि तहबील में कोई कमी ना थी, आई समझ में बात? डिप्टी, अब क्या करना होगा खां साहब, चिड़िया हाथ से निकल गया। दारोगा, निकल कैसे जाएगी हुजूर, रमानाथ से यह बात कही ही क्यों जाए, बस उसे किसी ऐसे आदमी से मिलने ना दिया जाए जो बाहर की खबरें पहुंचा सके, घर वालों का उसका पता अब लग जावेगा ही, कोई ना कोई जरूर उसकी तलाश में आवेगा, किसी को ना आने दें, तहरीर में कोई बात ना लाई जाए, जबानी इत्मीनान दिला दिया जाए, कह दिया जाए कमिश्नर साहब को मुआफीनामे के लिए रिपोर्ट की गई है, इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर तो यह लोग सुपरिटेंडेंट से परामर्श कर रहे थे, उधर एक घंटे में देवीदीन लौट कर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा, दरोगा जी तो साहब के पास गए। देवीदीन ने घबरा कर कहा, तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? कांस्टेबल, नहीं, उन्हें भी साथ ले गए। देवीदीन ने सिर पीट कर कहा, पुलिस वालों की बात का कोई भरोसा नहीं, कह गया था कि एक घंटे में रुपए लेकर आता हूँ, मगर इतना भी सबर ना हुआ, सरकार से 500 तो मिलेंगे, मैं 600 रुपए देने को तैयार हूँ। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो जाएगी और क्या, वहीं से उन्हें परागराज भेज देंगे, मुझसे भेंट भी ना होगी, बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी। यह कहता हुआ देवीदीन वहीं जमीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे? देवीदीन ने मानो कोड़े की काट से आहत होकर कहा, अब तो दरोगा जी से दो दो बातें करके ही जाऊंगा, चाहे जेल जाना पड़े, पर फटकारूंगा जरूर, बुरी तरह फटकारूंगा, आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, क्या भगवान से जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाती बार देखा था, बहुत रंजिदा थे। कांस्टेबल, रंजिदा तो नहीं थे, खासी तरह हंस रहे थे, दोनों जने मोटर में बैठ कर गए हैं। देवीदीन ने अविश्वास के भाव से कहा, हंस क्या रहे होंगे बेचारे, मुंह से चाहे हंस लें, दिल तो रोता ही होगा। देवीदीन को यहाँ बैठे एक घंटा भी ना हुआ था कि सहसा जग्गो आ खड़ी हुई। देवीदीन को द्वार पर बैठे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या करने लगे, भैया कहाँ हैं? देवीदीन ने मर्माहत होकर कहा, भैया को ले गए सुपरिटेंडेंट के पास, ना जाने भेंट होती है कि ऊपर ही ऊपर परागराज भेज दिए जाते हैं। जग्गो, दरोगा जी भी बड़े वह हैं, कहां तो कहा था कि इतना लेंगे,
कहाँ लेकर चल दिए? देवी, इसीलिए तो बैठा हूँ कि आवे तो दो दो बातें कर लूं। जग्गू, हाँ फटकारना जरूर, जो अपनी बात का नहीं वे अपने बाप का क्या होगा। मैं तो खरी कहूंगी, मेरा क्या कर लेंगे। देवी, दुकान पर कौन है? जग्गू, बंद कर आई हूँ, अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सवेरे से वैसे ही हैं। चूल्हे में जाए वह तमाशा, उसी के टिकट लेते तो जाते थे, ना घर से निकलते तो काहे को यह बला सर पड़ती। देवी, जो उधर ही से पराग भेज दिया तो? जग्गू, तो चिट्ठी तो आवेगी ही, चलकर वहीं देख आवेंगे। देवी, आंखों में आंसू भरकर, सजा हो जाएगी। जग्गू, रुपए जमा करा देंगे तब काहे को होगी, सरकार अपने रुपए ही तो लेगी। देवी, नहीं पगली, ऐसा नहीं होता, चोर माल लौटा दे तो वह छोड़ थोड़े ही दिया जाएगा। जग्गू ने परिस्थिति की कठोरता अनुभव करके कहा, दारोगा जी, अभी बात भी पूरी ना करने पाई थी कि दारोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची, इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमानाथ इन दोनों को देखते ही मोटर से उतर कर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहाँ देर से बैठे हो क्या दादा, आओ कमरे में चलो। अम्मा, तुम कब आई? दरोगा जी ने विनोद करके कहा, कहो चौधरी, लाए रुपए? देवी, जब कह गया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ तो आपको मेरी राह देख लेनी चाहिए थी, चलिए अपने रुपए लीजिए। दारोगा, खोद कर निकाले होंगे। देवी, आपके अकबाल से 1500 अभी ऊपर ही निकल सकते हैं, जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपए चुका कर आता हूँ। यह जो इंस्पेक्टर साहब थे ना, पहले इसी थाने में थे। दारोगा, तो भाई अपने रुपए ले जाकर उसी हांडी में रख दो, अफसरों की सलाह हुई कि इन्हें ना छोड़ना चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब तो पहले ही दफ्तर में चले गए थे। ये तीनों आदमी बातें करते उसके बगल वाले कमरे में गए। देवी दीन ने दारोगा की बात सुनी तो उसकी भौहें तिरछी हो गई। बोला, दारोगा जी, मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता हूँ, मैं रुपए आपके हुक्म से लाया हूँ, आपको अपना कॉल पूरा करना पड़ेगा, कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दारोगा जी को भन्ना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा ना माना, हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो चाहे दगाबाज कहो, पर हम इन्हें छोड़ नहीं सकते, ऐसे शिकार रोज नहीं मिलते, कॉल के पीछे अपनी तरक्की नहीं छोड़ सकता। दारोगा के हंसने पर देवी दीन और भी तेज हुआ, तो आपने कहा किस मुंह से था? दारोगा, कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक सा तो नहीं रहता, इसी मुंह से जिसे गाली देता हूँ उसकी इसी मुंह से तारीफ भी करता हूँ। देवी, तिनक कर ये मुंह से मुड़वा डालिए। दारोगा, मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है, नीयत तो मेरी पहले ही थी, पर शर्म के मारे ना मुड़वाता था, अब तुमने दिल मजबूत कर दिया। देवी, हंसिए मत दरोगा जी, आप हंसते हैं और मेरा खून जला जाता है, मुझे चाहे जेल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं कप्तान साहब से जरूर कह दूंगा, हूं तो टके का आदमी, पर आपके अकबाल से बड़े अफसरों तक पहुंच है। दारोगा, अरे यार, तो क्या सचमुच कप्तान साहब से मेरी शिकायत कर दोगे? देवी दीन ने समझा कि धमकी कारगर हुई, अकड़ कर बोला, आप जब किसी की नहीं सुनते, बात कहकर मुकर जाते हैं तो दूसरे भी अपनी सी करेंगे ही, मेम साहब तो रोज ही दुकान पर आती हैं। दारोगा, कौन देवी? अगर तुमने साहब या मेम साहब से मेरी कुछ शिकायत की तो कसम खाकर कहता हूँ, घर खुदवा कर फेंक दूंगा। देवी, जिस दिन मेरा घर खुदेगा उस दिन यह पगड़ी और चपरास भी ना रहेगी हुजूर। दारोगा, अच्छा तो मारो हाथ पर हाथ, हमारी तुम्हारी दो दो चोटें हो जाए, यही सही। देवी, पछताओगे सरकार, कह देता हूँ पछताओगे। रमानाथ अब जब्त ना कर सका, अब तक वे देवी दीन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कह कहा मार कर बोला, दादा, दरोगा जी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं, हम लोगों में ऐसी सलाह हो गई है कि मैं बिना कुछ लिए दिए ही छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी, साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यहीं रहना होगा। देवी दीन ने रास्ता भटके हुए आदमी की भांति कहा, कैसी बात है भैया, क्या कहते हो, क्या पुलिस वालों के चकमे में आ गए,
इसमें कोई ना कोई चाल जरूर छिपी होगी। रमानाथ ने इत्मीनान के साथ कहा, और कोई बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवीदीन ने संशय से सिर हिलाकर कहा, झूठा मुकदमा होगा? रमानाथ, नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा मामला है, मैंने पहले ही पूछ लिया है। देवीदीन की शंका ना शांत हुई, बोला, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता भैया, जरा सोच समझ कर काम करना। अगर मेरी रुपयों को डरते हो तो यही समझ लो कि देवीदीन ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों से 100-100 रुपए रोज कमाए और सब के सब उड़ा दिए हैं। किस मुकदमे में शहादत देनी है, कुछ मालूम हुआ? दारोगा जी ने रमानाथ को जवाब देने का अवसर ना देकर कहा, वही डकैतियों वाला मामला है जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। इन डाकुओं ने सूबे भर में हंगामा मचा रखा था। उनके डर के मारे कोई आदमी गवाही देने पर राजी नहीं होता। देवीदीन ने उपेक्षा के भाव से कहा, अच्छा तो ये मुखबिर बन गए, यह बात है। इसमें तो जो पुलिस सिखाएगी वही तुम्हें कहना पड़ेगा भैया। मैं छोटी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का मरम क्या जानू, पर मुझसे मुखबिर बनने को कहा जाता तो मैं ना बनता, चाहे कोई लाख रुपए देता। बाहर के आदमी को क्या मालूम कौन अपराधी है कौन बेकसूर है, दो चार अपराधियों के साथ दो चार बेकसूर भी जरूर जाएंगे। दरोगा, हरगिज नहीं, जितने आदमी पकड़े गए हैं सब पक्के डाकू हैं। देवी, यह तो आप कहते हैं ना, हमें क्या मालूम। दारोगा, हम लोग बेगुनाहों को फंसाएंगे ही क्यों, यह तो सोचो। देवी, यह सब भुगते बैठा हूँ दारोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दें, साल दो साल का जेल ही तो होगा। एक अधर्म के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सर पर ना चढ़ेगा। रमानाथ ने भीरुता से कहा, मैंने खूब सोच लिया है दादा, सब कागज देख लिए हैं, इसमें कोई बेगुनाह नहीं है। देवीदीन ने उदास होकर कहा, होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। यह कहकर वह पीछे घूम गया। अपने मनोभावों को इससे स्पष्ट रूप से वह प्रकट ना कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई, मुड़कर बोला, तुम्हें कुछ रुपए देता जाऊं? रमानाथ ने खिसिया कर कहा, क्या जरूरत है? दारोगा, आज से इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। देवीदीन ने कर्कश स्वर में कहा, हाँ हुजूर, इतना जानता हूँ, इनकी दावत होगी, बंगला रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, यह सब जानता हूँ। कोई बाहर का आदमी इनसे मिलने ना पावेगा, ना ये अकेले कहीं आ जा सकेंगे, यह सब देख चुका हूँ। यह कहता हुआ देवीदीन तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया, मानो वहां उसका दम घुट रहा हो। दारोगा ने उसे पुकारा, पर उसने फिरकर ना देखा। उसके मुख पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जग्गू ने पूछा, भैया नहीं आ रहे हैं? देवीदीन ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा, भैया अब नहीं आवेंगे, जब अपने ही अपने ना हुए तो बेगाने हैं ही। वह चला गया। बुढ़िया भी पीछे पीछे गुनगुनाती चली।